लीजिए प्रोग्राम का आगाज हमदे बारी ताला से करने जा रहा हूं, जिसे हमने जिसने सारी कायनात को बनाया और जिसे हमने खुदा माना, उस रब्बे कायनात के शान में ये नाचिए शाहरुख साबरी पेश करने जा रहा है। लेकिन उनसे पहले जितने भी ऑडियंस है एक बार प्लीज हाथ उठा के इजाजत दे दें आप लोग, जितने भी ऑडियंस है पीछे वालों से भी और हमारे गेस्ट उन लोगों से भी इजाजत चाहूंगा, कव्वाला साहिबा से भी, उनके हमलावाओं से भी दारा और अपने हमलावाओं से भी। भैया इसको होल्ड, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, रिपीट इसका मत रखिए, हल्का रखिए। रिपीट मत दीजिए आप, ऐसा बनाइए ना जैसे इसको बनाया मैं। हेलो हेलो हेलो, मेरे खुदा मुझे दुनिया में सुरखुरु रखना, बरोज़े हश्र मोहम्मद के रूबरू रखना। कहना है मेरे खुदा मुझे दुनिया में सुरखुरू रखना, बारोज हश्र मोहम्मद के रूबरू रखना। ये इल्तिजा है शाहरुख की छोटी सी मौला, कि हर एक शख्स की महफिल में तू आबरू रखना, हर एक शख्स की महफिल में आबरू रखना, हर एक शख्स की महफिल में आबरू रखना। लेकिन देखिए एक मोमिन की तमन्ना है हर एक मुसलमान को, भाई अरे हेलो भाई दो मिनट सुकून बना ले। हर एक शख्स को मदीना देखने की तमन्ना होती है, मैं मक्का मदीना जाऊं, हज करूं, उमरा करूं, या सरकार के रोजे मुबारक का दीदार कर लूं। किसे किसे तमन्ना, एक बार हाथ उठा ले मेरे साथ। माशाल्लाह सबको होती है, लेकिन बस लेकिन मैं एक अपनी ख्वाहिश बोल रहा हूं, रमजान का वक्त आने वाला है, एक मोमिन की तमन्ना है, सभी से तवज्जो चाहूंगा। क्या कहते हैं, वो दिन भी दिखा दे मौला एक बार करीने में, डूबे न मेरी कश्ती, डूबे न मेरी कश्ती, या रब सफीने में, डूबे न मेरी कश्ती या रब सफीने में, डूबे न मेरी कश्ती या रब सफीने में। देखिए तवज्जो चाहूंगा उस बंदे की क्या तमन्ना है, मलाजा करें। वो दिन भी दिखा दे मौला
एक बार करीने में डूबे न मेरी कश्ती, या रब सफीने में वो दिन भी दिखा दे मौला, वो दिन भी दिखा दे मौला, या रब तू किस्मत में वो दिन भी दिखा दे मौला, या रब तू किस्मत में क्यों के सहरी करूं मक्के में अफ्तार मदीने में, 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 वो दिन भी दिखा दे माला या रब तो किस्मत में, या रब तो किस्मत में क्या किस्मत में तवज्जो चाहूंगा क्या, सहरी 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 करूं मक्के में अफ्तार मदीने में, सहरी करूं मक्के लेकिन देखिए सामईन हजरात, एक बात मैं आप लोग सभी को बताना चाहूंगा कि फनकार तभी फनकार है जब सुनकार है, अगर सुनकार नहीं तो वो फनकार बेकार हो जाता है। इसलिए कोई भी शेर या कतात आप लोगों को सभी को अच्छा अगर लगे या तो तालियों से हौसला अफजाई करे या सुभान अल्लाह कहे, ताकि मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। एक बात और मैं बताता हूँ, आर्टिस्टों का मूड दो चीज से बनता है, मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ, या तो पैसे से या आपकी दाद से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पैसा तो बहुत कमाता हूँ, लेकिन इतने सुकून वाली पब्लिक बहुत कम मिलती है। लेकिन पैसा दे आना तो उससे मतलब नहीं, बस अपने दाद से जरूर नवाजना, लेकिन पैसे की बात दार अंकल आ गई है तो चार मिसरे बड़े बुजुर्गों ने भी कहे हैं। हेलो, बड़े बुजुर्गों ने बढ़ाओ यार, बड़े बुजुर्ग। हेलो, हाँ बस बड़े बुजुर्गों ने कहे हैं कि मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, बेसटाओ। बड़े बुजुर्गों ने कहे कि मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूं लेकिन दरिया मेरी ताजीम करता है। मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, अरे मियां मैं कतरा हूं लेकिन दरिया मेरी ताजीम करता है, और खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसी को मिलता है जो तकसीम करता है। खजाना उसी को मिलता है जो तकसीम, जो तकसीम भैया इसको देता है, खजाना उसी को मिलता है जो तकसीम करता है। लेकिन ये बात हक है, सभी तस्लीम करते हैं। एक बार कह दीजिए ना झूम कर सुभान अल्लाह, कि ये बात हक है, सभी तस्लीम करते हैं। अरे खुदा तो तखलीक करता है, नबी तकसीम करते हैं। खुदा तखलीक करता है, नबी तकसीम करते हैं। इसलिए मतलब पेश कर रहा हूं, जितने भी सामईन हजरात हैं तवज्जो चाहूंगा, क्या ये दुआ है सभी के लिए, दुआ है। क्या दुआ है मुलाहजा करें, कि सबके घर में या अल्लाह, सबके घर में या अल्लाह,
रहमत अता कर दे। मैं नाम से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन उनकी जानिब से मुख्तार साहब, उनकी जानिब से 100 रुपए से नवाजा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब की इस बात पर। हाँ, सबके घर में अल्लाह रहमत अता कर दे। रहमत अता कर दे, लेकिन सदके में मोहम्मद के, सदके में मोहम्मद के, सदके में मोहम्मद के बरकत अता कर दे। जहां कहीं भी मदीने की बात चलती है, नबी के चाहने वाले दोनों हाथ उठा ले एक बार मेरे साथ। माशाल्लाह, कहना है क्योंकि सरकारे दो आलम रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजे गए हैं, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं। अगर कोई मुसलमान कहे कि सरकार सिर्फ हमारे हैं तो गलत, वो पूरी आलम के लिए रहमत बनकर भेजे गए। जो लोग इस बात को मानते एक बार झूठकर सुभान अल्लाह कहते हैं। लेकिन असद अजमेरी कहते हैं कि जहां कहीं भी मदीने की बात चलती है, जहां कहीं भी मदीने की बात चलती है, वहां तो दिन की तरह हो कि रात चलती है। डॉक्टर साहब, कि जहां कहीं भी मदीने की बात चलती है, वहां तो दिन की तरह हो कि रात चलती है। अरे असद भी खोटा है, सिक्का चला दे या मौला, क्योंकि तेरे इशारे पे तो कायनात चलती है। तेरे इशारे पे तो कायनात चलती है, लेकिन खुदाए पाक तेरा हुस्न महरुमा हमें है। वो चाहे जितना छिपे फिर भी तेरी निगाह में है। अरे उसे मिटा ही नहीं सकती कोई भी दुनिया की ताकत, जो तेरे जेरे करम तेरी पनाह में है। जो तेरे जेरे करम तेरी पनाह में है, इसलिए क्या मेरे घर में या अल्लाह रहमत अता कर दे। रहमत अता कर दे, लेकिन सबके में मोहम्मद के, सबके में मोहम्मद के, सबके में मोहम्मद के क्या बरकत अता कर दे। I'm gonna make it।
स्वैप डीजे गड़वा साउंड सिस्टम चलिए माशाल्लाह। एमआर सीरीज वालों ने भी बहुत पैसा नवाजा था मुझे और आपने भी 100 रुपए से नवाजा क्या, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इस पर भी मेहनत कर दो, बड़ा अच्छा है माइक आपका, थोड़ा मेहनत की जरूरत है सर, इसको बना लो आप। लेकिन सदके में मोहम्मद के बरकते अता कर दे, लेकिन गिरा पेश कर रहा हूं क्या अल्लाह से बंदा कह रहा है, क्या कह रहा है मुलाजा करे, क्योंकि माला शान निराली तेरी शान निराली तेरी शान निराली। जरा पैड का भी कम करो आप, क्योंकि बोल समझ में आनी चाहिए। माला शान निराली, माला शान निराली तेरी शान निराली। यहाँ पर कुछ हिंदू मुस्लिम, ये एकता का प्रोग्राम है और ये एकता का प्रतीक है, हमारे गेस्ट भी कुछ बैठे हैं, मैं आप लोगों से भी तवज्जो चाहूंगा और जितने ऑडियंस हैं कुछ हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर सुनाना चाहता हूँ अगर आप लोग इजाजत दे तो। भाई ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दिया अल्लाह, और छत पे अच्छी है ये प्रेम की गंगा रहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमें मट मट बांटो, छत के ऊपर बस एक तिरंगा रहने दो। लेकिन मेरा क्या कहना है मुलाजा करे, मेरा क्या कहना है, लेकिन पसंद आ जाए तो बस तालियों से नवाजिएगा। ये हमारे भंडरिया पेट्रोल पंप के मैनेजर, उनकी जानिब से बहुत सारे रुपए से नवाजा गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि कहना है कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, क्या बात है, कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, हर एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े, अरे ऐसी फिजा बनाओ कि मेरे देशवासियों के हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। जिन्हें जिन्हें पसंद आए बस तालियों से नवाज दें, आप लोग भी, आप लोग भी सुन रहे हैं तो तवज्जो चाहूंगा कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। लेकिन चार मिसरे के दो सहेलियों की बात मैं पेश कर रहा हूं, मुलाहिज़ा करें कि कहना है कि बोली राधा कि मैं तेरा साथ जहरा दूंगी, बोली राधा कि मैं तेरा साथ जहरा दूंगी, तू मुझे ईद अता कर मैं तुझे दशहरा दूंगी, ठीक है, बोली राधा कि मैं तेरा साथ ऐ सहरा दूंगी। तवज्जो चाहूंगा अंकल, नाम निसार भाई, क्या हैदर भाई, कि कहना है कि बोली राधा कि मैं तेरा साथ ऐ सहरा दूंगी, तू मुझे ईद अता कर मैं तुझे दशहरा दूंगी, और कोई आतंकी तुझे तंग कर सकता नहीं, क्योंकि तू नमाजें जो पढ़ेगी तो मैं पहरा दूंगी, तू नमाजें जो पढ़ेगी तो मैं पहरा दूंगी। लेकिन मोहब्बतों का दिया हर शाम अपने दर पर रखती है, मोहब्बतों का दिया हर शाम अपने दर पर रखती है, हैदर भाई वो हिंदू है मगर ख्वाजा का तोगरा घर पर रखती है।
समझ जाऊंगा सभी से बिल्कुल इंशाल्लाह। नए नए आशार सुनाऊंगा। कौन है ये? हैदर भाई की जानिब से 100 रुपए से नवाजा गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। निसार अहमद साहब सदस्य हैं, उनकी जानिब से 200 रुपए से नवाजा। किस बात पर? कि मोहब्बतों का दिया हर शाम अपने दर पर रखती है। तवज्जो चाहूंगा आप लोग से। वो हिंदू है मगर ख्वाजा का टुकड़ा घर पर रखती है। अरे ये रजिया की मोहब्बत का असर तो देखिए लोगों, कि अजा सुनती है सीता तो आंचल सर पे रखती है। अजा सुनती है सीता तो आंचल सर पर रखती है और कहती है क्या, कि मौला शादे निराली, मौला शादे निराली, तेरी शादे निराली। अच्छा, सबको मदीना देखने की तमन्ना तो है, बस एक बार मेरा साथ देते अजमेर कौन कौन गए हैं जरा हाथ उठाएं। लेकिन गरीबों का छोटा मदीना अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि आले रसूल भी हैं ख्वाजा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाते हैं उनके दर पर, लेकिन हम लोगों की क्या तमन्ना है मुलाजा करें। क्या तमन्ना है मुलाजा करें। वो खुल्द परी अर्श का सीना भी दिखा रहे ये हमारे अमानत खान प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के मान, उनकी जानी से 100 रुपए से नवाजा गया है। और मैं बजरंग साहब और अनंत सोनी साहब, हैदर भाई, निसार साहब और नेपाल सोनी सभी से तवज्जो चाहूं किस बात पर। वो खुलते परी अर्श का सीना भी दिखा दे, आपसे भी तवज्जो चाहूंगा। हेलो अंकल। वो खुलते परी अर्श का सीना भी दिखा दे, वो खुलते परी अर्श का सीना भी दिखा दे। मदीना भी दिखा दे, क्योंकि मौला शाने निराली, मौला शाने निराली, तेरी शाने निराली। लेकिन वक्त को देखते ही आखिरी बन, आखिरी बन पेश कर रहा हूं। मुलाजा करें। मैं सभी से तवज्जो चाहूंगा, डॉक्टर साहब और आप लोगों से तवज्जो चाहूंगा। लोग नमाजें पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, क्यों करते हैं? अपने रब को खुश करने के लिए, अपने ईश्वर को खुश करने के लिए, ताकि वो खुश हो जाए तो मुझे जन्नत में स्वर्ग में दर्जा दे। लेकिन आशिके रसूल जो है, लेकिन जन्नत भाई जान, जन्नत इंसान को मिल गया, जन्नत में उसका दाखला भी हो गया, लेकिन जन्नत के बाद भी कोई तमन्ना होती है क्या इंसान? जरा कहें आप लोग। नहीं ना, लेकिन आशिके रसूल उसकी क्या तमन्ना है मुलाजा करें। क्या
میرے قلم میں وہ پاکیزہ روشنائی دے میرے قلم میں بھوت میں عکس حرم دکھائی دے میرے قلم میں وہ پاکیزہ روشنائی دے میرے قلم وہ پاکیزہ روشنائی دے کہ بھوت میں عکس حرم دکھائی دے شان نرالی تیری شان نرالی